तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ भीमला नायक, जो कि तेलुगु में रिलीज हुआ है और ये थिएटर में ही छे। आप लोग जाके जरूर मूवी को चेकआउट कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक रीमेक है आयप्पनम कश्यान करके एक मूवी है उसके ऊपर पे रीमेक है, लेकिन जो मूवी है वो आउटस्टैंडिंग मूवी है। लेकिन वो रीमेक का बारे में कौन सोचते आप लोग, वो सब बाहर में जाए जाके मूवी थिएटर में देखो, बस हिला डालेगा मूवी, इतना जबरदस्त है, मास एंटरटेनिंग, मास मास ऑडियंस में तो पूरा पागल हो जाओगे। मैं आपको छोटा सा क्लिप भी दिखा दूंगा, मेरा थिएटर मतलब जो रिएक्शन था, सब लोग जब मूवी देख रहे थे नाच रहे थे पूरा थिएटर के ऊपर पे, मूवी पूरे एक्शन से भरा हुआ है, थ्रिल, और फिर गाने तो भाई जबरदस्त थे, पूरा एंटरटेन करेगा, आपका पैसा पूरा वसूल। 2 घंटा 10 मिनट का मूवी है, उसके बाद जो पवन कल्याण का एंट्री है वो तो माइंड ब्लोइंग है। और स्टोरी पे आ जाए, स्टोरी पे हम लोग को मेन फोकस राणा दुगुपति जो कि डैनियल का कैरेक्टर है उनके ऊपर, और फिर पवन कल्याण के ऊपर पे ही पूरा फोकस किया जाता है, पूरा मूवी उनके इर्द गिर्द मूवी घूरता रहता है। कैसे डैनियल एक आर्मी ऑफिसर रहता है, उसके बाद वो रिटायर होता है और उसका दोस्त से मिलता है, और उससे वहाँ से ही वो कुछ इलीगल काम करता है, वहाँ से ही भीमला नायक का एंट्री होता है जो कि पवन कल्याण है, वहाँ से पूरा मूवी का क्लाइमेक्स चालू होता है, कैसे डैनियल उसको धोखा देगा कैसे नहीं देगा, पूरा मूवी इसके ऊपर ही बेस्ड है। आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए, आज ही कहाँ जी जाके थिएटर का टिकट खरीदिए, जाके पूरा मूवी देखिए, पूरा मजा कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले मूवी का डिसअपॉइंट में आ जाओ, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और पेसिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि उस पर इंट्रोडक्शन में चले जाता है, क्योंकि कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन पे। उसके बाद जो परफॉर्मेंस आ जाए, परफॉर्मेंस तो हिला डालेगा, पवन कल्याण का जो परफॉर्मेंस था ये, और जो भीमला नायक का जो पोर्ट्रेट किया है कैरेक्टर का, जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, एकदम आउटस्टैंडिंग, उनका एक्शन और फिर मास अवतार सबको पागल कर दिया थिएटर में, क्या बोलो। उनका डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त था, उनका इमोशन भी अच्छा था और परफॉर्मेंस तो जबरदस्त था। उसका राणा दुगुपति पे आ जाए, उनका देखिए, उनका जो डैनियल शेखर का जो एक्टिंग था बहुत अच्छा था, थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने पड़ेगा, लेकिन उनका एक्टिंग वगैरह सब अच्छा था। और उनका जो एग्रेशन था, मतलब जो गुस्सा दिखाने वाला एग्रेशन, और फिर सुपर फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा था वो भी। और ओवरऑल आ जाए मूवी का, मूवी एक मास ऑडियंस से भरा हुआ है, जितने भी मास ऑडियंस जाएंगे सब लोग मजा ले लेंगे, सब लोग। मूवी ने ऑलरेडी 3 दिन में 81 करोड़ कमा लिया है, और फिर आप लोग आज भी जाके देखोगे तो पागल हो जाओगे, पूरा पागल हो जाएगा थिएटर। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थिएटर में देखिए पूरा नाच रहे, पागल करके नाच रहे। उसके बाद अभी डायरेक्शन पे आ जाए, डायरेक्शन जो सागर के चंदर है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है मूवी के साथ, सिनेमाटोग्राफी भी अच्छा था और उसके बाद एडिटिंग भी अच्छा था। और फर्स्ट हाफ का थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन एडिटिंग भी जबरदस्त था। फिर गाने तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए गाने तो डालते ही, यही तो था। और मैं ओवरऑल बोलूंगा मूवी एक मस्ट वॉच है, जो लोग मास ऑडियंस है वो लोग तो पागल हो जाएंगे, मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, मास 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 आप लोग गुस्सा हो जाओगे। तो मूवी तो एकदम जबरदस्त था। तो यहाँ पे मैं वीडियो पूरा कंप्लीट करता हूँ। अगर आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप लोग का प्यार बांटिए मेरे चैनल पे, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग के वजह से इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, और आप लोग ऐसे करते रहोगे तो हम लोग का चैनल और भी बढ़ते रहेगा। वी आर वन फैमिली एंड वी आर वन यूट्यूब चैनल। That's it. Until then, bye. Thank you.